नए साल के मौके पर दोस्तों मारुति सुजुकी आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आने वाली है। जिस कार का आपको इंतजार था दोस्तों, वो कार आखिरकार अब लॉन्च होने के लिए तैयार हो चुकी है। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल ब्रांड मारुति सुजुकी अब अपनी न्यू जनरेशन आल्टो को लॉन्च करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। हाल ही में इस गाड़ी का न्यू प्रोडक्शन मॉडल शोरूम्स में पहुंचाना कंपनी शुरू करने वाली है। इस गाड़ी की बुकिंग दोस्तों कंपनी जनवरी या तो फरवरी के महीने में लेना चालू कर देगी और इसकी लॉन्चिंग मार्च या अप्रैल में बताई जा रही है। काफी लंबे समय से मारुति सुजुकी ने अपनी ये मोस्ट अवेटेड कॉम्पैक्ट हैचबैक कार को अपडेट नहीं करा था, पर अब नए साल के चलते अब इसका नया जनरेशन मॉडल दोस्तों लॉन्च होने के लिए काफी बेसब्री से रेडी हो चुका है। आम आदमी इस गाड़ी के लॉन्च के लिए काफी इंतजार कर रहा था, क्योंकि दोस्तों अब न्यू जनरेशन मॉडल इतना बेहतरीन और इतना जबरदस्त रहने वाला है कि आप भी इसको देखकर खरीदने के लिए उत्सुकता हो जाएंगे। जी हाँ, मारुति सुजुकी न्यू जनरेशन ऑटो को एकदम ही नए डिजाइन के साथ लॉन्च करा जाएगा। इसे एकदम ही न्यू जनरेशन हियरटेक प्लेटफॉर्म को मॉडिफाइड करके बनाया गया है, जिसके चलते गाड़ी का डिजाइन दोस्तों आपको थोड़ा बहुत क्रॉसओवर और एक एसयूवी टच में दिखाई देने को लगेगा। गाड़ी में आपको ज्यादा स्पेस देखने को मिलने वाला है, साथ ही साथ गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा हो गया है और इसमें आपको व्हील साइज भी इस बार ही बड़ा देखने को मिलेगा, जिसके चलते गाड़ी का डिजाइन तो एक शानदार कॉम्पैक्ट लुक में आने वाला है जो कि एसयूवी टच के साथ आएगा। साथ ही इसमें आपको स्पेस वाइज भी काफी स्पेस देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं गाड़ी के डिजाइन के बारे में तो दोस्तों गाड़ी के डिजाइन काफी ज्यादा एक एसयूवी टच में देखने को मिलेगा जो कि एक शानदार कॉम्पैक्ट लुक में आएगा। गाड़ी के फ्रंट और रियर को पूरी तरीके से रीडिजाइन करा जाएगा। गाड़ी के फ्रंट में इस बारी कंपनी प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप का इस्तेमाल करेगी जो कि डीआरएल सेटअप के साथ आने वाले हैं। साथ ही फ्रंट में आपको न्यू क्रोम प्रिंटेड सुजुकी की न्यू ग्रिल देखने को मिलेगी जो कि सुजुकी के नए लोगों के साथ आएगी। वहीं इसमें आपको न्यू डुअल टोन फ्रंट बम्पर देखने को मिलेगा। वहीं रियर की बात करें तो रियर में आपको एल शेप एलईडी टेल लैंप सेटअप देखने को मिलेगा जो कि गाड़ी के लुक को और भी अग्रेसिव लुक दे पाने में मदद कर रहे हैं। वहीं साइड से आते हैं तो गाड़ी के साइड में आपको न्यू 15 से 16 इंच के 7 स्पोक अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे जो कि इसकी साइड प्रोफाइल को और भी बेहतरीन बना पाने में मदद कर रहे हैं। गाड़ी में क्रोम का एलिमेंट्स काफी इस्तेमाल हुआ है, जिसके चलते गाड़ी में एक प्रीमियम लुक आपको देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों गाड़ी डुअल टोन एक्सटीरियर के साथ आएगी जो कि इस गाड़ी के लुक को और भी स्पोर्टी और एक प्रीमियम लुक दे पाने में मदद कर रही है। वहीं अगर हम बात करें गाड़ी की फीचर्स की और इंटरनल फीचर्स की, तो न्यू जनरेशन ऑटो की खास बात यह है कि कंपनी से पूरी तरीके से इंटीरियर से रीडिजाइन करा गया है। कार के सेंट्रल कंसोल में आपको शानदार इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट कर पाने में सक्षम होगा। साथ ही इस न्यू जनरेशन ऑटो में एक नई मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील दी जाएगी जो कि आप अपनी वॉइस कमांड और कई सारे कनेक्टेड टेक्नोलॉजी फीचर्स को पूरी गाड़ी को उसी से ही कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको 5 से 6 सीटर फुल्ली लेदर इंटीरियर देखने को मिलेगा, साथ ही ऑटोमेटिक एसी और कई सारे जबरदस्त सेफ्टी फीचर्स जैसे कि इसमें आपको डुअल फ्रंट एयर बैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी, 4 पार्किंग सेंसर और 2 पार्किंग कैमरा इस गाड़ी में आपको सेफ्टी के तौर से स्टैंडर्ड रूप से देखने को मिल जाएंगे। वहीं इस गाड़ी के सबसे बड़े अपडेट में आते हैं तो इस गाड़ी का सबसे बड़ा अपडेट बताया जा रहा है दोस्तों इस गाड़ी का परफॉर्मेंस वाला इंजन। इसमें आपको नया 1.2 लीटर का क्रायोटेक K12B पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो कि जबरदस्त 80 bhp की पावर और 120 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाएगा। और कंपनी इसका CNG किट वेरिएंट लेके आएगी दोस्तों जो कि कंपनी फिटेड रहने वाला है, जिसके चलते गाड़ी का माइलेज 30 से 40 किलोमीटर से भी ऊपर रह पाएगा दोस्तों, जो कि भारतीय ग्राहकों को काफी पसंद आने वाला है। अंत में बात करें इस गाड़ी की कीमत की, क्योंकि दोस्तों मारुति सुजुकी ऑटो अपनी कम कीमत और बेहतरीन फीचर्स के लिए जानी जाती है, इसलिए इस गाड़ी की कीमत दोस्तों शुरुआती एक शोरूम बेस्ड वेरिएंट की एस्टिमेटेड प्राइस 3 से 4 लाख रुपए की रहने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों अपने रहे अपनी जगह के हमें कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको न्यू जनरेशन ऑटो का नया मॉडल कैसा लगा, क्या आप इसको खरीदना चाहेंगे। अपनी रहे अपनी जगह के हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा दोस्तों और जितना हो सके वीडियो को आम आदमी तक शेयर कीजिएगा। मित्र अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।